हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे शाम के नाश्ते या फिर घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इसे स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो आज हम जो ये स्प्रिंग रोल बनाएंगे उसकी शीट जो है हम घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है स्प्रिंग रोल की शीट्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बाउल में 1 कप मैदा ले रहे हैं और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर तेल डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा जो है पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से जो है हमें थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है और इसे हम ढक देंगे और उसके बाद जो है हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे रख देते हैं हम साइड में। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और आटा भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इससे हम छोटी छोटी साइज की जो है लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो हमें इसे इक्वल साइज़ के जो है बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है 1 कप से 10 पीस जो है बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हम ये 1 बॉल्स लेंगे और इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है सूखा मैदा हम इस तरीके से डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल पूरी के आकार से थोड़ी सी जो है हमें इसे बड़ी बेल कर तैयार कर लेनी है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम सभी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम बेल लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हमने सारे जो है पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैं 1 पूड़ी लूँगी और इस पे हम ऑयल से अच्छे से ब्रश कर देंगे चारों ओर। किसी भी कोर को ये छूटनी नहीं चाहिए, चारों ओर अच्छे से ब्रश कर दें। और इस पे ऊपर जो है हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे चारों ओर और इसे हम मिला देंगे। और अब हम इसके ऊपर दूसरा पूड़ी रखेंगे और फिर से हम ऑयल से ब्रश करेंगे अच्छे से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा फिर से डस्ट करेंगे और इसे हम मिला देंगे। और ये हमारी तीसरी पूड़ी जो है इसके ऊपर हम फिर से रख देते हैं और फिर से हम ऑयल से ब्रश करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है आपको 4-5 आप सीट जो है एक बार में तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार में जो है 4 सीट्स जो है बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर हमने फिर से ये सूखा मैदा डस्ट करके मिक्स कर दिया है और ये हमारी जो है चौथी पूड़ी हमने रख दी है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल एक बड़ी रोटी के आकार में इसे हमें बेल कर तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी प्रकार से जो है हम हल्के हल्के हाथों से चारों ओर अच्छे से इक्वल जो है बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से जो है सारे बेल लीजिएगा। और यहाँ पर हम ये गर्म तवा पर इसे डाल देते हैं। तो हमें इसे उलट पुलट कर सेक लेना है। हमें इसमें कोई स्पॉट नहीं लानी है, बस हल्का सा इसे सिकने पर हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई स्पॉट नहीं है। तो इसी तरीके से दोनों ओर सेक लेनी है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है सीड्स। अब हम इससे ज़्यादा जो है इसे नहीं पकाएंगे और जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम जो है इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से जो है इसके सीड्स अलग हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें जो है अच्छे से तेल लगाया था, जिस कारण से जो है इजीली निकल जाते हैं। और कितनी पतली सीड्स जो है बनकर तैयार होती है आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम सभी सीड्स जो है अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजीली जो है ये अलग हो रही है। तो ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है आपको इसको अलग कर लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आराम से जो है इसे हल्के हल्के हाथों से निकलने दें। तो देख सकते हैं आप ये कितना इजी जो है निकल रही है। आप देखिए और कितनी पतली जो है सीड्स बनकर तैयार हुई है। मेरे फिंगर्स जो है बिल्कुल आर पार दिख रहे हैं इसमें, इतनी पतली ये बनकर तैयार हुई है। तो इसी प्रकार से जो मैं सारे सीड्स अलग कर ली हूँ और यहाँ पर अब हम इसकी जो है फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें हम 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक डालेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैं ये हरी मिर्च डाल देती हूँ, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक कटी हुई प्याज डाल देंगे, इसे लंबे हमने स्लाइसेस में कट करके लिया है। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ कप कटी हुई बीन्स, तो हमने इसे भी लंबे में कट किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एकदम पतली लंबी कटी हुई गाजर डालेंगे हाफ कप के जितना है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम हाफ कप के जितना ही डालेंगे लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम डालेंगे एक स्मॉल साइज की कैबेज को हमने लंबे कट कर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियों को जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पर भुने, हमें इसे लो फ्लेम पर नहीं भूनना है, क्योंकि हमें सब्जियों को क्रंची ही रखना है, इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इसे पकाना नहीं है, तो हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे सब्जियों को। और यहाँ पर हम 1 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, और 1 चम्मच हम रेड चिल्ली सॉस, और 1 चम्मच हम डाल देंगे टोमेटो सॉस, और इसे अभी हम अच्छे से मिक्स करके मिला लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारा जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल हाई है, तो इसे मिक्स करने के बाद जो है हम ज़्यादा अब ओवर कुक नहीं करेंगे, इसे हम अब हम निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है फिलिंग, और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम अब सेलरी तैयार करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं, और थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे, और इसे मिक्स करते हुए इसका जो है गाढ़ा घोल बना लेना है। तो इस तरीके से जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका जो है एकदम स्मूथ सा जो है स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हम ये सीड्स लिए हैं, और इस पर हम डालेंगे हमारा फिलिंग जो हमने तैयार करके रखा था वेजिटेबल वाला, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं सेंटर में। तो इसमें जो है ज़रूरत के अनुसार ही जो है स्टफिंग डाले, ज़्यादा स्टफिंग ना डाले, नहीं तो हमारी जो सीड्स है वो फ्राई करते वक्त फट भी सकती हैं। तो इस तरीके से जो है हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और साइड साइड में जो हमने स्लरी बनाकर तैयार किया था वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि हमारे जो है रोल्स इजी जो है चिपक जाए आपस में। तो देखिए इस तरीके से जो है चारों ओर लगा देंगे, और ये साइड से हम जो है इस तरीके से इसे चिपका देंगे, और ये दोनों साइड से इस तरीके से चिपका दें। तो देखिए इस तरीके से जो है हम इसे चिपका लेंगे अच्छे से, और अब हम इसे टाइटली जो है रोल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्लरी लगा देती हूँ, ताकि ये इजी जो है चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके से जो है हम टाइटली से रोल कर लेंगे। तो ये हमारा जो है एक रोल तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से हमने फिर से जो है फिलिंग रखी है, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फिर से हम जो है साइड साइड में स्लरी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है हमने चारों ओर अच्छे से जो है स्लरी लगा दिया है, और अब हम इसे टाइटली इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए आप फोल्ड कर लें दोनों ओर से अच्छे से, ताकि ये अच्छे से जो है चिपक जाए, और इसे हम अंदर की ओर दबाते हुए इसे टाइट करके रोल कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से जो है मैं लगा देती हूँ, ताकि ये चिपक जाए। तो ये देखिए हमारा जो है रोल तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से हमने जो है सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारे यह तेल जो है मीडियम गर्म है, तो हम मीडियम गर्म तेल में एक एक करके जो है रोल्स डाल देंगे, और इसे हम फ्राई होने देंगे। तो देखिए इसी प्रकार से जो हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसे हम उलट पुलट कर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है इसे पलट ले जाए, आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से जो है गोल्डन कलर आनी शुरू हो चुकी है। तो आराम से जो है इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने दें, उसके बाद ही निकालें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है उलट पलट कर इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम जो है निकाल लेते हैं, और इसी प्रकार से जो है हम बचे हुए भी रोल्स फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ये बचे हुए भी रोल्स डाल देते हैं इसमें, और इसे भी इसी प्रकार से फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो है वेज स्प्रिंग रोल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रोल ये बनकर तैयार होती है। इसे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है, आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक रोल जो है कट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए ये अंदर से बहुत ही जूसी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।